सबको दीपावली का शुभकामनाएं, हैप्पी दीपावली। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट मिल्की बर्फी। एक ऐसा बनाते हैं हम देख, और दीपावली का स्पेशल रेसिपी है इंस्टेंट मिल्क बर्फी। उसके लिए हम लोग हाफ कप मिल्क पाउडर लिया है, 3/4 कप शक्कर लिया है, और 1/8 कप दूध लिया है, 1/4 कप घी लिया है। उसमें स्प्रेड करने के लिए थोड़ा सा पिस्ता कट करके रखा हुआ है। अब ये कैसा बनाते हैं हम देखते हैं। ऐसा एक बाउल लेने का, उसमें पहले 2.5 कप का मिल्क पाउडर डालना है, उसी के अंदर 3/4 कप शक्कर डालना है, उसमें निकाल के रखा हुआ 1 कप दूध डाल के मिक्स करना है। इसमें बिल्कुल लम्स आना नहीं चाहिए, इसके लिए स्लोली इसको मिक्स करना है। एकदम स्मूथ पेस्ट बना के रखा है, इसमें बिल्कुल लम्स नहीं है। फिर ऐसा एक पैन देखने का, लो फ्लेम में दूसरे एक पैन में ये पोर करना है। ये लो फ्लेम में रखे उसको गरम करना है। धीरे 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 वो कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगा। भी लो फ्लेम में रखा है, थोड़ा गर्म होएगा तो उसमें 1/4 कप घी भी डालना है। तो अच्छा से मिक्स करके स्टेयर करके लेने का, कंटिन्यूस हाथ निकालना नहीं चाहिए, लो फ्लेम में ही करने का। अभी स्लोली 8 मिनट्स में थिक हो गया। अभी उसको कम्प्लीटली थिक होना है, इसके लिए लो फ्लेम में और थोड़ा कंटिन्यूस स्टेयर करके रहने का। पूरा ये पैन से देखो ऐसा निकलते मिलेगा, बिल्कुल एकदम स्लो फ्लेम में स्लोली बनाना। अभी उसका परफेक्ट कंसिस्टेंसी मिलेगा तब तक उसको पका के रहने का। इसमें जो मिल्क का कंटेंट है पूरा उसमें रहने चाहिए। अभी हम लोग एक मोल्ड, ग्लास मोल्ड ग्रीस करके रखा है, उसी में डाल के 1 आवर फ्रिज का रेफ्रिजरेट करना है। अभी ऑलमोस्ट इसका पानी का कंटेंट सब खत्म हो गया, अभी मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। अभी उसका बराबर हो गया, उसका परफेक्ट कंसिस्टेंसी। ऐसे ग्लास मोल्ड में बटर पेपर लगाया, उसी के अंदर ऊपर मैंने घी भी लगा के रखा है। अभी हम लोग जो बनाया वो बैटर इसमें डालने, मैंने बड़ा मैं मोल्ड है इसके लिए मैंने उसका हाफ ही लेता है। अभी उसको परफेक्ट सेट करने का है। आपके पास छोटा मोल्ड है तो उसी में ले लो, मैं ये मोल्ड मेरे हाफ ही लिया, मोल्ड का हाफ ही मैंने ये बैटर लिया। अभी अच्छा से प्रेस करके उसको लेवल करना है, उसके ऊपर हमारा पिस्ता उसको फिट करना, स्प्रेड करना है। जल्दी फटाफट बना के ले सकते हैं इंस्टेंट मिल्क बर्फी है, 15 मिनट्स ही लेगा टोटल। अभी उसको 1 आवर हम लोग फ्रिज में रखे, 1 आवर के बाद निकाल के कट करके दिखाए। हमारा इंस्टेंट मिल्क बर्फी भी रेडी हो चुका है, 1 आवर फ्रिज में रखा था, अभी वो भी निकाल के कटिंग करके दिखा। इंस्टेंट मिल्क बर्फी बन चुका है, सब लोग अपना घर पर ट्राई कीजिए। दिवाली के पहले सब लोग ट्राई करके कैसा लगा आप बोल दीजिए। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए, नया कोई देखते तो बीजिए से सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन भी एनेबल करेगा तो मेरे वीडियो के सब नोटिफिकेशन सबको मिल जाएगा। सबको दिवाली का शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली।